अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग भी मार्केट से एक्सटेंशंस परचेज कर करके थक चुके हैं तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आप खुद घर बैठ के अपनी एक्सटेंशन किस तरह से रेडी कर सकते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ होगी। और दूसरी खास बात इस एक्सटेंशन की ये है, चाहे आप इसे 100 मीटर दूर तक ले जाएं फिर भी ये प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी, क्योंकि नॉर्मल जो एक्सटेंशन होती है उनकी छोटी छोटी तारें होती हैं, मगर ये जो एक्सटेंशन मैं आप दोस्तों को बताने का तरीकाकार बताऊंगा, आप इसे अपनी मर्जी से जितनी मर्जी दूर ले जा सकते हैं। मार्केट से मैंने 500-500 और 1000-1000 रुपए की भी एक्सटेंशन परचेज की है, मगर कुछ दिन चलने के बाद वो बंद हो जाती हैं, उनमें कोई फॉल्ट आ जाता है, खराब हो जाती हैं। ये जो देसी एक्सटेंशन है इनका फायदा ये होगा कि ये खराब नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। मुझे पता है कि आप लोगों ने लाइक तो वीडियो को कर ही दिया होगा। जी तो दोस्तों, एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए आप लोगों को जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो आपके सामने है। सबसे पहले आपको वायर चाहिए, आप प्योर कॉपर केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक्सटेंशन बोर्ड की फिटिंग चाहिए, कुछ बटन और कुछ सॉकेट्स चाहिए होगी। अगर आप लोग रेडीमेड का इंतखाब करना चाहते हैं तो वो भी आपको मार्केट से मिल जाता है, जस्ट आपने इसके अंदर सिर्फ 2 तारे लगानी होती है और आपका जनाब एक्सटेंशन तैयार हो जाती है। मगर आज की इस वीडियो में जो एक्सटेंशन मैं आप दोस्तों को बनाने का तरीकाकार बताऊंगा वो लॉन्ग लाइफ है और आप उसे चाहे अपनी मर्जी से जितनी मर्जी दूर ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी कंप्यूटर की पावर कार्ड। पावर कार्ड आपको चाहिए होगी मेल टू फीमेल। मेल टू फीमेल का इस्तेमाल करके आप अपने एक्सटेंशन बोर्ड को चाहे जितनी मर्जी दूर ले जाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर प्योर कॉपर वायर होती है, अच्छी कॉपर वायर होती है, और इसके अलावा इसमें लॉसेस बहुत कम से कम होते हैं। हमें यहाँ पर इस मेल टू फीमेल वायर की जरूरत पड़ेगी। ये वायर किस तरह से लगानी है वो भी आप दोस्तों को बताता हूं, मगर उससे पहले हम इन बटन और इन सॉकेट्स को इस बोर्ड के ऊपर फिट कर ले। तो मैं इसकी फिटिंग को ओपन कर लेता हूं। वेल जी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके फ्रंट कवर को रिमूव कर लिया है। ये जो फिटिंग है आपको इलेक्ट्रिक स्टोर से आसानी से 50 रुपए की मिल जाती है। अब हमने इसके ऊपर लगे हुए इन नट्स को खोल लेना है और हम इन बटन और सॉकेट्स को इस फिटिंग के ऊपर लगा देंगे। वेल जी दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 बटन्स लगाए हैं, एक गोल सॉकेट लगाई है, इसके अलावा 3 सॉकेट मजीद लगाई हैं। अभी इनके कनेक्शन करना मेन चीज है। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको न्यूट्रल और फेज का पता होना चाहिए। अभी हमने करना यह है कि ये मेल टू फीमेल जो वायर है इसकी मेल साइड को आपने कट कर देना, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसको कट किया हुआ है, यहां से मैं इसको जरा छील लेता हूं। आप लोग यहां से वायर की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्योर कॉपर केबल है। इसमें लोकल वायर्स भी आती हैं जो 100-100 रुपए, 50-50 रुपए वाली है, वो आपने नहीं खरीदनी। ये जो अच्छी केबल होती है ये थोड़ी सी महंगी होती है, 200-300 रुपए की हो सकती है। अब यहां पर आपको बेसिक 3 वायर्स नजर आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी वायर का इंतखाब करना है, वो चेक करना बहुत ही आसान है। जिस वायर के ऊपर लाइन लगी हो वो वायर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो ग्राउंड की वायर होती है। अब यहां पर 3 वायर्स के जो कलर है वो डिफरेंट है, किसी के ऊपर लाइन नहीं लगी हुई, तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये होता है, किसी भी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आप उसे चेक कर सकते हैं। ये वाली वायर अर्थिंग की होती है, ये नहीं बस आपने इस्तेमाल करनी होती। तो मैं यहां पर ब्लैक को लगाता हूं। मीटर को हमने बीप के मोड पे रखा हुआ है, तो यहां पर बीप बोल रही है, इसका मतलब ये है कि हम एक ब्लैक वायर को यूज करेंगे। दूसरे नंबर पर ये वाली वायर बोल रही है व्हाइट कलर की, अब ग्रीन रह जाती है। ग्रीन इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रीन जो है वो ग्राउंडिंग में इस्तेमाल हो रही है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ग्रीन वायर को काट दूंगा। हमारे पास रह गई हैं 2 तारें, अभी हमने इनके कनेक्शंस को करना है। कनेक्शन को करने से पहले आपने इस वायर को इस फिटिंग के अंदर कुछ इस तरह से लगा देना है और आगे से कोशिश करें एक बेंड दे दें इसको, मतलब कि बांध दें या इसके आगे केबल टाई का इस्तेमाल कर लें। अभी बारी आ जाती है इसके कनेक्शंस को करने की। मैं यहां पर ये चाहता हूं कि ये जो पहला बटन है इससे ये वाली सॉकेट कंट्रोल हो, और ये जो दूसरा बटन है इससे आगे वाली 3 सॉकेटें कंट्रोल हो। तो बहुत ही आसान तरीकाकार है। सबसे पहले मुझे एक चाहिए होगी केबल, यहां पर मुझे चाहिए होगी एक रेड और एक ब्लैक केबल। 729 मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 729 की केबल अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो वो 2000 वाट तक के लोड को आसानी से उठा लेगी। यहां पर मुझे करना यह है कि सबसे पहले इन सभी सॉकेट्स की न्यूट्रल को कॉमन कर देना। एक चीज याद रहे कि ये वाली जो सॉकेटें हैं इनकी न्यूट्रल कॉमन होती है, जो फेज होती है वो इस बटन के थ्रू आगे कंट्रोल हो रही होती है। अभी हम ये जो ब्लैक कलर की वायर है इसको इसके साइज के मुताबिक यहां पर रखकर काट लेंगे। यहां पर वायर को कट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बेंड कर लेना है, और ये जो नीचे वाले आप दोस्तों को पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इन सबको आपने ओपन कर लेना है, मतलब कि इनके स्क्रूज को थोड़ा सा लूज कर लेना है। दोस्तों यहां पर स्क्रूज को लूज करने के बाद आपने इस वायर को सभी सॉकेट्स के अंदर लगा देना है, क्योंकि हम ये न्यूट्रल लगा रहे हैं और न्यूट्रल सबकी कॉमन होती है। यहां तक रखने के बाद आपने इन स्क्रूज को अच्छी तरह से टाइट कर देना है।
ठीक है जी, जो एक्स्ट्रा तार बचेगी उसको आपने यहाँ से कट कर देना है और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ देना है ताकि किसी के हाथ को टच ना हो या किसी जगह पर वो टच ना करे। ठीक है जी, हमने सभी न्यूट्रल्स को कॉमन कर दिया। अभी हम इन दोनों बटन्स के फेज को कॉमन करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि बटन की जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड, इन दोनों को हम कॉमन कर देंगे क्योंकि यहां पर हमने फेज को गुजारना है। तो फेज के लिए मैं यहां पर रेड कलर की वायर का इस्तेमाल करूंगा और इसके ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा लूज करके इसके अंदर इस वायर को लगा देना है। अभी दोस्तों दोबारा से समझ लें कि सभी सॉकेट्स की न्यूट्रल को कॉमन कर देना है और जितने भी बटन हो, एक से ज्यादा चाहे 10 बटन है, सबके यहाँ पर आपने फेज के लिए कॉमन कर देना है ऊपर वाले पॉइंट जितने भी बटन हो। अब मैं ये चाह रहा था कि इस बटन से मैं इसको कंट्रोल करूं और इस बटन से आगे वाली तीनों को कंट्रोल करूं, तो मैं क्या करूंगा कि एक जम्पर वायर यहां से लेकर यहां तक डालूंगा ताकि जब मैं ये बटन प्रेस करूं तो ये वाली सॉकेट ऑन हो। तो मैं जरा ये जल्दी के साथ कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट मरहला आपको आते हैं। ठीक है जी, हमने एक जम्पर यहां से लेकर यहां तक डाल दिया है। इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो बटन है इससे आगे वाली तीन सॉकेटें कंट्रोल हो, तो मैं क्या करूंगा कि इन तीनों पॉइंट्स को कॉमन कर दूंगा और इस बटन के साथ एक जम्पर वायर की मदद से जोड़ दूंगा। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके लॉजिक को समझ लें जो कि मेन चीज है। हम यहां पर अपना फेज अप्लाई करेंगे, मतलब यहां से इसको फेज देंगे और यहां पर न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल का मैं आपको बता चुका हूं कि सभी सॉकेट की न्यूट्रल्स कॉमन होती हैं, तो इसको आप साइड पे कर दें। अब बारी आ जाती है फेज की। जब मैं फेज वायर यहां पर लगाऊंगा तो जैसे ही मैं ये वाला बटन नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो करंट यहां से गुजरेगी और सीधा इस सॉकेट के अंदर आ जाएगी, जिसका मतलब यह है कि हमारी ये वाली सॉकेट सिर्फ ऑन होगी। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फेज तो यहां पर लगा हुआ है, तो जब मैं ये बटन को टर्न ऑन करूंगा तो यहां से करंट फ्लो होके इन तीनों सॉकेट्स के अंदर आ जाएगी। अब मैं जरा जल्दी के साथ ये वाले कनेक्शंस को भी कर लेता हूं। जी दोस्तों, कनेक्शंस को एक दफा फिर से देख लें। ये लगी हमारी न्यूट्रल और ये लग गया हमारा फेज। अब मैं जरा जल्दी के साथ इसको यहां पर फिट कर देता हूं। यहां पर बेंड मैंने इसलिए दिया है ताकि खींच लगने की वजह से ये तार टूट ना जाए और यहां से आपस में टच होके कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो। तो मैं अब इसको यहां पर फिट कर देता हूं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन जो है वो रेडी हो चुका है। अभी अगर मैं चाहूं तो इसे जितनी मर्जी दूर लेके जा सकता हूं। जस्ट मुझे करना ये होगा कि ये जो मेल केबल है इस फीमेल केबल के अंदर लगा देनी है। ये जो सिरा बचेगा यहां पर मैं कोई भी मजीद पावर केबल लगाकर इसको जस्ट 220 वोल्ट के अंदर लगाऊंगा तो यहां पर जो है वो करंट आने लग जाएगी और जो वोल्टेज वगैरह है वो फ्लो करने लग जाएंगे। अभी इस चीज को चेक करने के लिए मैंने यहां पर पहली सॉकेट के अंदर ये टेस्ट लैंप को लगाया है। पहला बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ग्रीन लाइट आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ऑन हो चुकी है। अब मैं आगे वाली सॉकेट में चला जाता हूं। यहां पर देखें अभी तक ये ग्लो नहीं कर रहा जब तक मैं ये बटन को प्रेस नहीं करूंगा। जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा इन तीनों सॉकेट्स के अंदर जो है वो करंट फ्लो होने लग जाएगी और आप यहां पर देख सकते हैं कि तीनों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करने लग चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी एक्सटेंशन को प्रॉपर तरीके से असेंबल कर लिया है। आप अपनी मर्जी से चाहे इसे 100 मीटर दूर तक ले जाएं क्योंकि ये जो कंप्यूटर की पावर केबल होती है ये अच्छी खासी मोटी होती है। इसके अंदर अच्छा प्योर कॉपर होता है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं रेडीमेड तरीके की, जो कि आप दोस्तों को इस तरह की चाइना की फिटिंग देखने को मिलती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मैंने तकरीबन 300 रुपए की मार्केट से परचेज की है, इलेक्ट्रिक स्टोर से। तीन सॉकेट्स आप यहां पर लगा सकते हैं, तीन इस साइड पे और तीन इस साइड पे। टोटल 9 चीजें आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसको लगाना बहुत ही आसान है, जस्ट आपने स्क्रू को सबसे पहले रिमूव करना है। जैसे ही आप स्क्रू को रिमूव करेंगे यहां से आप दोस्तों को इसके नीचे कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक न्यूट्रल है और एक फेज है, कुछ के ऊपर लिखा होता है कुछ के ऊपर नहीं लिखा होता। चाहे आप उल्टा भी लगा दे कोई मसला नहीं है क्योंकि 220 वोल्ट में कौन सा माइनस प्लस होती है, इसमें सिर्फ न्यूट्रल फेज होता है। यहां पर ये जो पावर केबल मुझे मार्केट से रेडीमेड मिली थी मैं इसको रेडीमेड एक्सटेंशन के साथ लगा देता हूं। इस तार का जो गेज है वो 40/76 वायर है, मगर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इससे भी मोटी तार का इस्तेमाल करें ताकि आप उसे लॉन्ग लाइफ तक यूज कर सकें। दोस्तों ये जो रेडीमेड तार आपको मार्केट से देखने को मिलती है ये कोई इतनी अच्छी खास नहीं होती, इसलिए मैं कंप्यूटर की पावर कॉर्ड ही आपको रिकमेंड करूंगा या फिर कोई अच्छी केबल इस्तेमाल करें जो कि आपको अच्छे गेज में आपकी मार्केट से या इलेक्ट्रिक स्टोर से मिल जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड कर इसके अंदर न्यूट्रल फेज के अंदर लगा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको पकड़ने के लिए यहां पर जगह दी गई है। आप एक स्क्रू को रिमूव करेंगे तो इसके नीचे आपकी तार आ जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी एक्सटेंशन को खींच लगे तो उसकी वजह से एक्सटेंशन खराब नहीं होती, तार नहीं खींचती। तो इसको आप एंड पे लगाएंगे, मगर उससे पहले आपने न्यूट्रल और फेज के कनेक्शन यहां पर कर लेने हैं। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अभी अच्छी तरह से लग चुका है। अगर मैं इसको खींचता हूं तो इसको कोई मसला नहीं है क्योंकि इसकी पकड़ यहां से हुई है। अब यहां पर हम इसकी ये जो फिटिंग हमने इसके ऊपर से उतारी थी इसको हम यहां पर जनाब लगा देते हैं।
जैसे ही मैं इसे 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको रेड कलर की एलईडी ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि हमारी एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर 220 वोल्ट आने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टेस्टिंग लैंप की मदद से टेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन एलईडी आपको ग्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। साइडों वाले भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों साइड वाले बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये तीनों साइड वाले भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। सो ये तरीकाकार है रेडीमेड एक्सटेंशन बोर्ड के साथ तार लगाकर उसको इस्तेमाल में लाने का। यहाँ पर दोबारा से आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी कंप्यूटर शॉप के ऊपर से इस तरह की अच्छी पावर कार्ड ले लें, उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि मैं अपने घर में भी इस तरह की पावर कार्ड के जरिए एक्सटेंशन बोर्ड बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहा हूं और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यकीन करें मेरी जान छूट गई है इन एक्सटेंशन बोर्ड को परचेज कर करके। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अब ये जो चीजें होती है छोटी छोटी, ये कोई भी आपको इलेक्ट्रिक स्टोर वाले भी नहीं बताते अगर आप उनके पास काम सीखने जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, पता नहीं क्या नाराजगी है आपकी। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्यों कमेंट कम कर रहे हैं। कमेंट जरूर किया करें, चाहे कमेंट में यही लिख दिया करें कि यार मुझे वीडियो अच्छी लगी है, नाइस, ये वो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया करें। हमें इस तरह से होता है कि यार हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।